नमस्ते फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ गाजर हलवा की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, वो भी कम मेहनत में, कम समय में और आसानी से बनाएंगे और टेस्ट और टेक्सचर वही होगा जो हम बहुत समय लगाकर बनाते हैं। तो इसके लिए मैंने 600 ग्राम गाजर लिए हैं। ये ऑरेंज कलर का है, इसके जगह रेड कलर का भी ले सकते हैं। और इसे अच्छी तरह से धोकर इसे हल्के हाथों से चाकू से छील लिए हैं। और 150 ग्राम चीनी लिए हैं। आप ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं तो 200 ग्राम भी ले सकते हैं। मिल्क पाउडर 4 चम्मच और 7-8 काजू और 7-8 बादाम को काट लिए हैं। और 2-3 चम्मच किशमिश लिए हैं। घी 2 बड़े चम्मच। आप कम घी खाना पसंद करते हैं तो 1 चम्मच में भी बना सकते हैं यह हलवा। और 1 कप उबला हुआ दूध, 3-4 छोटी इलायची और 5-7 पीस पिस्ता को काट लिए हैं। तो अब सबसे पहले गाजर को मोटे मोटे टुकड़े में काट लेते हैं, क्योंकि हलवा हम कुकर में बनाने वाले हैं तो हमें घिसने की ज़रूरत नहीं है। तो इसी तरह से सारे काट लेते हैं। तो देखिए, मैंने सारे गाजर को काट लिए हैं मोटे मोटे टुकड़े में। अब चलिए चलते हैं गैस की तरफ। तो गैस पर एक कुकर रखकर और कटी हुई गाजर डाल लेंगे इसमें। अब इनमें डालेंगे जो दूध हम नाप कर रखे हैं, 1 कप वही डाल लेंगे। अब कुकर का ढक्कन लगाकर इनमें 1 सीटी आने देंगे। तो देखिए, कुकर में सीटी लग चुका है। अब गैस को 2-3 मिनट सिम करके इसे इसी तरह से पकने देंगे। तो 2-3 मिनट मैंने पका लिए हैं, गैस ऑफ कर देते हैं। अब गैस का प्रेशर ख़त्म होने तक इंतज़ार करते हैं। तो अब गैस का प्रेशर ख़त्म हो चुके हैं, इसे खोलकर और मैश करेंगे गाजर को। तो एक घुटनी की सहायता से अथवा मैशर की सहायता से अथवा चाहे तो कलछी की सहायता से भी घोट सकते हैं इसे। तो अभी मैं ये दाल घोटते हैं, इसी से करके दिखाती हूँ मैं आपको। तो इस तरह से इसे हल्के हाथों से प्रेस करते हुए गाजर को मिलाएंगे, बहुत ज़ोर से नहीं करेंगे, नहीं तो दूध है, गाजर है तो वो छटके बाहर आ सकते हैं। और गैस को ऑन कर लिए हैं ताकि हम इस तरह से मिलाते भी जाए और हलवा हमारा पकता भी जाए। तो इस तरह से मिलाते जाएंगे और पकाते जाएंगे हलवा को। तो देखिए, ये मिल भी गया और दूध सूख भी गया। तो अब इन्हें 1-1.5 मिनट और पका लेते हैं, इसे अच्छी तरह से सूख जाएगा दूध। तो देखिए, दूध सूख गया है, थोड़ा सा बाकी है। अब इनमें डाल लेते हैं चीनी, और चीनी को डालकर इन्हें और थोड़ी देर पका लेंगे। तो देखिए, चीनी घुल चुकी है, अब सूखने तक पका लेते हैं इन्हें। तो देखिए, चीनी की चाशनी भी सूख कर कम हो गई है। तो अब इनमें डालेंगे मिल्क पाउडर जो हमने 4 चम्मच रखे हैं, और थोड़ा थोड़ा डालकर मिलाते जाएंगे, एक ही बार में नहीं डालेंगे। इस तरह से एक बार मिला लेंगे, फिर डालेंगे, फिर मिलाएंगे। तो अब बाकी का भी डाल लेते हैं। तो मिल्क पाउडर भी डालकर मिला लिए हैं। अब इनमें डालेंगे घी 2 चम्मच जो रखे हैं हम, और कैमरा यहाँ पर हिल गया था इसलिए ऐसा दिख रहा है, देखिए। तो अब 1 चम्मच पहले डाल लेंगे, फिर 1 चम्मच बाद में डालेंगे सर्व करते समय। तो अब घी को भी मिला लिए हैं, देखिए मिल चुका है। अब ये हलवा हमारा तैयार हो चुका है। अब हम इनमें डालेंगे ये ड्राई फ्रूट्स और थोड़ा सा बचा कर रखेंगे हलवा को सर्व करते समय, गार्निशिंग के लिए बचा कर रखेंगे इन्हें। तो अब इन्हें भी मिला लेते हैं और इलायची को भी कुटकर डाल लेते हैं। इलायची कूट कर रखे हैं, डालकर मिला लेते हैं। तो अब सारे चीज़ों को मिला लिए हैं और हलवा का टेक्सचर देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए कितना अच्छा आया है टेक्सचर, कलर भी। तो अब चलते हैं सर्व करने के लिए और गैस ऑफ कर देते हैं। तो इस तरह से एक प्लेट में पहले निकाल लेते हैं हलवा को, फिर गर्मा गर्म सभी को सर्व करेंगे बल में रखकर। तो मैंने सारे हलवे कुकर से निकाल लिए हैं, देखिए बहुत ही अच्छा हलवा बना है, बहुत ही टेस्टी है और बनाना भी कितना आसान है, आपने देखा ही। तो इस तरह से सर्व कर सकते हैं हलवा को और फ्रिज में रखकर 3-4 दिनों तक हम खा सकते हैं हलवा को।
तो आप ये हलवा बनाइए और अपना अनुभव मेरे साथ शेयर कीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी डेली अपडेट मिलती रहे। तो फिर मिलेंगे एक नए रेसिपी के साथ।